सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं आपका दोस्त शहबाज खान, और आज हम बात करेंगे आवाजों के बारे में। आवाजें कैसी होती है और कैसे निकाली जाती है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे मेहनत करते हैं और अपनी आवाज कैसे दूसरों को देते हैं। आपने देखा होगा बिग बॉस में जो आवाज आती है वो कुछ इस तरह होती है। 29वां दिन सुबह 11:30 बजे बिग बॉस चाहते हैं कि आप सभी घर वाले मुख्य द्वार से अंदर आ जाए, और बिग बॉस ये चाहते हैं कि सभी देखने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय देने के लिए आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। ऐसे होती है। You watching WWE WrestleMania John Cena vs Randy Orton live tonight only on 10 Sports Network. ऐसा। You watching WWE WrestleMania John Cena and Randy Orton live tonight only on 10 Sports Network. ऐसा। एक और प्रोग्राम आता है हिस्ट्री चैनल पर, जहां पर लोग पुराने सामान लाके बेचते हैं, कुछ भी अपने पॉर्न स्टार जिसका नाम है, तो उसमें जैसे लोग लाकर बेचते हैं, उसमें भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बहुत मेहनत होती है। वन मोर करेंगे, ओके, ठीक है। एक और चैनल आता है हिस्ट्री चैनल पर जिसका नाम है पॉर्न स्टार, उसमें भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बहुत मेहनत होती है। वो इंग्लिश में होता है लेकिन उसको हिंदी में डब करके इंडिया में बताया जाता है, तो लोग पुरानी चीजें लाते हैं। मैं इसे बेचने लाया हूँ। ओह, तो आप इसके कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं इसके $400 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओ शबली, तुम पागल तो नहीं हो गए? इस कचरे के डब्बे के तुम $400 दोगे? तुम लगता है मेरा धंधा बंद करवाओगे, मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना होगा। दद्दू, मैंने तो उसे अभी खरीदा भी नहीं और आप मुझे बातें कर रहे। और तुम उसे खरीदना भी मत, वरना मैं तुम्हें ही बेच दूंगा। डैड, यही बात आप उसे प्यार से भी समझा सकते हैं, आखिरकार वो भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। ऐसे। अब बारी आती है साउथ के फिल्मों की। तेलुगु मूवीज को जब हिंदी में डब किया जाता है तो उनके लिए भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत मेहनत करते हैं। जैसे कि किसी टपोरी हीरो को आवाज देनी तो ऐसी आवाज देंगे, हे अपुन जानता है कि अभी तो अपुन का एरिया में आके शानपत्ती करेगा, क्योंकि अपुन ने तेरे एरिया में आके तेरे छोकरे लोग को मारा था, है ना? हाँ। ऐसा। एक्शन हीरो अपने अंदाज में, उनके डायलॉग अलग। हे फिरोज, तू कराची के लुंडा बाजार में चिंदी चोरी किया करता था, पैसों की लालच में तूने अपने बहन को धंधे पे उतार दिया, जब वो आपस से बाहर चलेगी तो उसको मारकर खुद जेल चला गया। हाल ही में तूने एक डॉन को मारकर वहां का डॉन बन गया। आई लाइक इट। ए, मैं तो यहाँ इसकी पोल खोलने आया था, लेकिन इसने तो मेरी ही पोल खोल दी। आई लाइक इट। ए, तू जानता नहीं है तू किससे बात कर रहा है? सूर्या भाई से बात करने ही किसी की हिम्मत नहीं है, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे ही घर वालों को मारेगा, ऐसा कहकर गया है वो। हाँ। ए, मैं जानता हूँ तेरे सूर्या भाई को, अगर उसमें मुझसे टकराने की हिम्मत है तो जाकर बोल उसको कि आकर मुझसे बात करे। हाँ। अब बारी आती है कार्टून की। सबसे पहले मिकी माउस। हाउ, हेलो मिस्टर, हाउ, क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? तो साथ में कहिए ओ। उसके बाद बारी आती है ऑगली द कॉकरोचेस। हे छोटो मोटो लंबो, हे भैया, इतनी रात हो गई, रात है सुहानी, आइए नानी सुनाएगी कोई कहानी। आ मुन्ना, मुझे बता तुझे किसने मारा है? मैं एक एक को नहीं छोड़ूंगा, चुन चुन के मारूंगा। मुन्ना बता तुझे किसने मारा है? ये देवा, ये मैंने मारा इसको, ये साला बात छोड़ता रे बाबा, ये देवा कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। उसके बाद डोरेमोन, हा 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 हा, मुझे प्लीज बचा लो डोरेमोन, जियान मुझे बहुत मारेगा डोरेमोन, प्लीज मुझे कोई गैजेट दो ना। डोरेमोन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी। क्या बात, यू वॉचिंग WWE SmackDown। ओ क्या था वो। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। अपना ही बच्चा है, अच्छे बना रखा थे वीडियो, सपोर्ट करो जरा बच्चे। अस्सलाम वालेकुम।